लेकिन बड़ा बड़ा सवाल ये चुनाव चुके चुनाव परिणाम सामने आ चुके, लेकिन सीएम कौन बनेगा, ये कब साफ हो पाएगा, इस सवाल का जवाब जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं कुछ खास मेहमान लगातार मेरे साथ प्रवीण शर्मा हैं, हिमाचल बीजेपी उपाध्यक्ष लगातार ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आप क्या जानने की कोशिश करेंगे, जो बात बात के साथ सामने आई, जो कांग्रेस आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं बीजेपी नड्डा जो है वो पीएम प्रिय प्रिय के करीबी करीबी है, जिसके चलते इस तरह की साजिश आदर्श अंदर से की जाती है, मल हार हार जाते हैं। हेलो हेलो जी जी, आवाज भी आ रही है आपको? देखिए ऐसा है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये है विधायक दल बैठेगा वो तय करेगा, और इसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि शायद नड्डा जी मोदी जी पसंद है या हाइकमांड पसंद है या कोई और पसंद है। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनाया गया, शायद ज्योति केवल जी को भी नहीं पता उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाना था, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव ही नहीं लड़ा गया था, भजन लाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, और उससे पहले पहले फिर देना और पिछली बार मैं आपको बताऊं कि जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, तब विधायक दल दिल्ली सोनिया जी ने बुलाया था, वो विद्या स्टोक्स को बनाना चाहती थी, उस वक्त लोगों ने वीर भद्र को नहीं किया था, मेरी बात से बिना ये करने का करते करने का नहीं करेंगे, क्योंकि वो समीक्षक है, समीक्षक के साथ बात करते हैं, एक बात आप अपने धन्यवाद।
लगा कि वीरभद्र जी को काउंटर प्रदेश में करना जी, जी, तो वहां तो पर मुख्यमंत्री का चेहरा जो कि हमारे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो अभी एक बात और है कि जेपी नड्डा जी के बीच में और जो है प्रेम कुमार धूमल जी के बीच में इंटरनल कंट्रोवर्सी जरूर थी टिकट के मामले में भी और अगर हम चुनाव से पहले की एक रहे कि जब प्रधानमंत्री यहां आए हैं हमारे साथ चर्चा में जुड़े 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 ज
दल का चेहरा घोषित करते हैं वो भी हार जाता है। ढींगरा साहब क्या लगता है, फिर इनकंबेंसी ही थी बीजेपी की सरकार बन गई? बेसिकली बात यही थी क्योंकि इनको ये लग रहा था कि जैसे ही भूगोल साहब को हटाते हैं तो हिमाचल में इनकी सरकार नहीं आएगी। ये उस बात से बिल्कुल डरे हुए थे और हमने डिबेट भी की और ये बात मन में आई और इनके समझ में भी ये आई। अभी अमित शाह जो मोदी जी हैं बड़े तरीके से बड़ी मैनिपुलेटिंग से काम करते हैं। इन्होंने उसी समय धूमल जी का एक एकदम चेहरा आगे लाए क्योंकि सभी समय समय का उनको यूज करना था। ये यूजर की नीति हो गई और इस समय समय उसी की जारी जारी चीज की चेंज की हाथ हाथ है। कांग्रेस के नव निर्वाचित हायक हमारे सारे सीधे हिमाचल से जुड़े हैं। चर्चा में स्वागत है आपका। साथ ही आप भी जानेंगे जानेंगे क्या कारण कर रही कि जो बीजेपी के हिमाचल अध्यक्ष जो प्रदेश प्रमुख जो रखे वो हार जार जाते हैं पीएम पद के बाद बार वो भी हार जाते हैं। हालांकि जीता आप आप रहना से तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हेलो हेलो जी हेलो हेलो सतपाल जी आवाज नहीं आ रही आपको? आपको क्या लगता है जीत के कारण क्या रखे और बात जी हां जी के कारण क्या रखे उना से? हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार हां जी हां जी आवाज आ रही है नमस्कार जी। मेरा ये मानना है कि जिन जिन जहां पे जो वोटिंग हुई है हिमाचल प्रदेश में वो ज्यादातर व्यक्ति को देखकर हुई है और जिन जो व्यक्ति लोगों से जुड़े रहे उन लोगों को उन लोगों के लिए हुई है चाहे वो किसी भी पार्टी के कैंडिडेट क्यों ना रहे हो। आपने इसमें देखा होगा कि बहुत बहुत सारे महारथी रहे हैं चाहे वो बीजेपी के रहे हो चाहे वो कांग्रेस के रहे हो। जिन लोगों का कांटेक्ट जो है वो जनता से नहीं रहा वही लोग जो है वो हरे हैं और जनता के क्रोध ही रहा है उन लोगों के प्रति। अपने उन्होंने ये कहा कि हमारे जो लोग हारे कॉल ठाकुर जी जेएसबाली जी बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो थे इनके चुनाव हार गए हैं ऐसा ऐसा लोगों के चुने हुए विधायक ने कहा कि हमें जन जन के बीच में नहीं विषय नहीं था। इंदिरा गांधी जी जो हार गए हैं
पांचवी बार विधायक हैं जयराम ठाकुर जी, जनता के बीच का चेहरा है और निश्चित तौर पर जो संगठन की बात आपने की अजय जावाल जी की, वो संघ के परिवार से आते हैं, आरएसएस की तरफ से आते हैं और आज की तिथि में उत्तर पूर्व में संगठन मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। और जेपी नड्डा जी की बात करें, जेपी नड्डा जी का जो स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतपाल जी आपको क्या लगता है जो है जेपी के सामने चिंतन मनन की स्थिति है कि सीएम को बनाया जाए, आपको क्या लगता है हिमाचल में विपक्षी पार्टी आपकी आप हो गई, किसकी संभावना ज्यादा है? इसमें तो भाजपा के जो जो नेतृत्व है वही देखेगा कि किसको इन्होंने चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है, लेकिन इसमें हो सकता है जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही नए नए नेतृत्व को आगे आते हैं और जहां जहां आरएसएस से कोई ना कोई कैंडिडेट को आगे लेने की कोशिश करेंगे बिल्कुल चले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सतपाल सत्ती को सरप्राइज दिखा रहा है, तो बड़े चेहरे हरे हरे इस बार चुनाव के लिहाज से दिलचस्प है। अनिल आरजी जी आपसे जानेंगे, हाल ही में बड़े बड़े दावेदार हैं क्या अजय जामवाल, इसलिए जरूरी हो सकता है पार्टी की संघ संघ से वो आते हैं पार्टी प्राथमिकता हो सकते हैं। ज्योति जी, संघ जो है वो भाजपा की मदर बॉडी बनी जाती है, संगठन अलग तरीके से काम करता है और संगठन और आपस में नेताओं का जो है आदान प्रदान होता रहता है, तो संघ की राय जो है वो महत्वपूर्ण होगी, इसमें कोई दराय नहीं है, लेकिन आज की डेट में संघ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो दो नेताओं की जोड़ी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी। मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे वही यहाँ पर होगा। अभी जो चर्चा थोड़ी देर पहले धूमल जी की हार के बारे में चल रही थी, उनकी हार इसलिए महत्व गई है क्योंकि वो एक लेड मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी जीत रही है और उनके लेड जो है हार जाए ये अमूमन होता नहीं है, बहुत बहुत कम होता है कि इतना परसेंट बहुमत आपको है और मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हार जाए ऐसा होता नहीं है। और राजनीति में जैसे कारणों के ऊपर चर्चा कर रहे थे जब भी कोई बात राजनीति में ओपन हो जाती है तो वो रणनीति बन जाती है, हमेशा काट हो जाती है, राजनीति हमेशा कयास लगाए जाते हैं और धूमल जी के बारे में भी उनकी सीट बदली गई कि वो हार गए हार के बारे में कयास लगाए जाएंगे, सारे इतने बड़े नेता बनाने में रहते हैं। बहुत शुक्रिया सभी समानों का चर्चा बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए, तो अगला सीएम कौन होगा ये बड़ा सवाल का जवाब देने की कोशिश हमने की क्योंकि चुनाव के पहले कहा कि परिणाम इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल दीजिए।